हाल ही में सोने की कीमतें 78,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। नवरात्रि और दिवाली के दौरान सोने के दामों में तेजी रहती है और ऐसे में गोल्ड बायर्स, शादी के लिए ज्वेलरी खरीद रहे लोग या गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले सभी सोने के भाव का गिरने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें गोल्ड खरीदने के लिए कम कीमत की विंडो मिल सके। अब चले आपको ये बताते हैं कि अभी अगर इमरजेंसी में आपको गोल्ड नहीं लेना है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जल्द ही सोने में 5,000 रुपए तक का करेक्शन आ सकता है, यानी कि गोल्ड 70,000 रुपए के लेवल पर आ सकता है। कब और क्या कुछ इसकी डिटेल्स हैं, चलिए वीडियो में जानेंगे। दरअसल मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन ऊंचाइयों पर सोने की कीमतों में कुछ समय के लिए स्थिरता देखी जा सकती है, यानी कि स्टेबिलिटी आ सकती है और जल्द ही गोल्ड में 5-7% की गिरावट की उम्मीद की जा रही है। यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो अभी के रेट के हिसाब से गोल्ड में 5,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2000 के बाद से सोने में 32% सालाना प्रॉफिट नहीं देखा गया और इस कारण सोने में गिरावट की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट में आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, घरेलू ETF आयात, SPDR होल्डिंग्स और CFTC पोजीशंस जैसे कई ऐसे रीजंस का जिक्र किया गया है जिसके कारण गोल्ड रेट में तेजी जारी है। 2024 के पहले 9 महीनों में सोने की कीमतों में उछाल का मेन रीजन अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और भू राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं। सेंट्रल बैंक्स की भविष्य की मांग और घरेलू फेस्टिव और शादी के मौसम से बाजार की भावना और बढ़ने की संभावना है। मोतीलाल ओसवाल ने अगले 2 सालों में सोने की कीमतों के 86,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान जताया है। मौजूदा फेस्टिव सीजन के दौरान मजबूत डिमांड इस तेजी को और बढ़ावा दे रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी सोने की मांग में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। अनुकूल मॉनसून और बेहतर फसल बुआई के कारण ग्रामीण आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। भारतीय गोल्ड ETF में भी निवेशकों की रुचि बढ़ी है, खासकर हालिया इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती और केंद्रीय बजट में ETF पर दी गई छूट के बाद निवेशकों की रुचि इसमें बढ़ भी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि मुनाफा वसूली और करेक्शन का ये दौर ज्यादा वक्त तक नहीं टिकेगा, क्योंकि वैश्विक हालात में जल्द कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में एक बार करेक्शन होने के बाद दोबारा तेजी का रुख बनेगा, जिसका असर इंडियन मार्केट्स पर भी पड़ेगा। आपको पता ही है कि भारत अपने जरूरत का 80% से ज्यादा सोना इंटरनेशनल मार्केट से ही खरीदता है और यही कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से भारतीय सराफा बाजार भी सीधे तौर पर इम्पैक्ट होता है। यानी मोतीलाल ओसवाल की इस रिपोर्ट की माने तो बहुत जल्द एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये करेक्शन ज्यादा लंबे वक्त तक टिकेगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप अभी, आपको बहुत इमरजेंसी नहीं है गोल्ड खरीदने की, तो आप थोड़ा सा करेक्शन आने का वेट कर लीजिए। ऑल्दो वो करेक्शन ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आप उसमें सस्ता सोना खरीद सकते हैं। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।